वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी मड़वा का आटा, उत्तराखंड का, बिहार का स्पेशल मड़वे का आटा, जो कि जितिया में ज़्यादातर लोग खाते हैं। बाकी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए, ये हल्का जो है ना ब्लैकिस्ट होता है आटा गूंदने के बाद और ज़्यादा हो जाता है, और इससे गूंदने के लिए अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एकदम थोड़ा थोड़ा। एक बार में पानी मत डालिएगा, जैसे मक्के के आटे में रोटी में कैसे पानी डालते हैं एकदम धीरे धीरे, वैसे इसमें धीरे धीरे पानी डालना है। थोड़ा सा पानी को पहले अच्छे से मिक्स कर लें, फिर थोड़ा सा पानी फिर डालें। एक बार में पानी नहीं डालनी, क्योंकि ये गीला बहुत जल्द हो जाएगा। इसको कैसे बनाना है, आटे को वैसे ही सानना है जैसे मक्के के आटे को गूंदते हैं हम। मक्के के आटे को गूंदते हैं, बस वैसे ही गूंदना है मुझे। और ये हल्का सा गीला रहेगा, अगर बहुत टाइट बनाएंगे तो ये जो है ना वो टूट जाएगा। वैसे हल्का सा टूटेगा ही, बट टाइट रहेगा तो और भी बेलने में टूटेगा, इसलिए इसको हल्का सा गीला ही हम बेलेंगे। देखिए ये जो है मेरी रागी के आटा कैसा होता है, देखिए आप एक बार, है ना ब्लैकिश हल्की हल्की से। छोटी छोटी सी लोई बना लेना है। और ये हमारे यहाँ की लास्ट वाली। अब इसे मैं छोटी छोटी गोल गोल लोई, इसे दो तरह से बना सकते हैं। एक तो दादी नानी जैसे बनाती थी, जैसे मक्के की रोटी बनती है ना, बस उस तरह से हाथों से ही बस यूं करके हाथों से ही बस बोलो बोलिए मत प्लीज, हाथों से ही बस ओके। तो अब आप देख सकते हैं इसको बस यूं ऐसे से करते करते शेप में आ गया, हल्का हल्का सा ये टाइट से टूटेगा, हल्का सा, देखिए हल्का हल्का क्रैक होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब गैस ऑन कर लेती हूँ, तवा चढ़ गया है, गैस ऑन है, तवा चढ़ चुका है, जो है वो गर्म है, तो इसको रख दी। ठीक है, अब ये धीरे कम, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, धीरे धीरे से पकाएंगे, क्योंकि जैसे मक्के की रोटी पकाते हैं बस वैसे। अब दूसरा मैं आप लोगों को बेल के बता रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ी भी आटा मिक्स नहीं किया है, और यहाँ पे रागी ही रखी हूँ, ये आप देख सकते हैं रागी का ही आटा है। वो धीरे धीरे से बेल सकते हैं, धीरे धीरे हाथों से बेलिएगा, क्योंकि हल्का हल्का सा क्रैक। हो जाए तो इसको पलट देना है, हल्का हल्का सा
नीचे पक जाए। ये सॉफ्ट नहीं होता, हल्का मकई जैसा ही कड़ा होता है, तो इसे हम घी के साथ खाते हैं। तो ये हल्का हल्का सा फूल गया है, इसे आग पे सेक दिया मैंने। अब ये जो बेल के रेडी किया है मैंने, वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी मड़वा का आटा, उत्तराखंड का, बिहार का स्पेशल मड़वा का आटा, जो कि जितिया में ज्यादातर लोग खाते हैं। अब ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए, ये हल्का जो है ना ब्लैकिस्ट होता है आटा गूंदने के बाद और ज्यादा हो जाता है, और इससे गूंद रही। वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी मड़वा का आटा, उत्तराखंड का, बिहार का स्पेशल मड़वा का आटा, जो कि जितिया में ज्यादातर लोग खाते हैं। बाकी ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए, ये हल्का जो है ना ब्लैकिस्ट होता है आटा गूंदने के बाद और ज्यादा हो जाता है, और इससे गूंदने के लिए अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एकदम थोड़ा थोड़ा। एक बार में पानी मत डालिएगा, जैसे मक्के के आटे रोटी में कैसे पानी डालते हैं, एकदम धीरे धीरे, जैसे इसमें धीरे धीरे पानी डालना है। थोड़ा सा पानी को पहले अच्छे से मिक्स कर ले, फिर थोड़ा सा पानी फिर डालें। एक बार में पानी नहीं डालना, क्योंकि ये गीला बहुत जल्दी हो जाएगा और ये बनाने में थोड़ा सा पूरा जो बोलना है। देखिए पानी डालेंगे तो फिर इसका कलर जो है वो चेंज होता जाता है। वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी मड़वा का आटा, उत्तराखंड का, बिहार का स्पेशल मड़वा का आटा, जो कि जितिया में ज्यादातर लोग खाते हैं। बाकी ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए, ये हल्का जो है ना ब्लैकिस्ट होता है आटा गूंदने के बाद और ज्यादा हो जाता है, और इससे गूंदने के लिए अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एकदम थोड़ा थोड़ा। एक बार में पानी मत डालिएगा, जैसे मक्के के आटे में रोटी में कैसे पानी डालते हैं, एकदम धीरे धीरे, जैसे इसमें धीरे धीरे पानी डालना है। थोड़ा सा पानी को पहले अच्छे से मिक्स कर ले, फिर थोड़ा सा पानी फिर डालें। एक बार में पानी नहीं डालना, क्योंकि ये गीला बहुत जल्दी हो जाएगा और ये बनाने में थोड़ा सा बोलिए जो बोलना है। देखिए पानी डालेंगे तो फिर इसका कलर जो है वो चेंज होता जाता है पानी डालने के बाद। मैं आपको दो तीन स्टाइल में इसे बनाने के लिए बताऊंगी, एक स्टाइल में नहीं, दो तीन स्टाइल में मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको बनाना है। इसको कैसे बनाना है, आटे को वैसे ही सानना है जैसे मक्के के आटे को गूंदते हैं हम, मक्के के आटे को गूंदते हैं, बस वैसे ही गूंदना है मुझे। और ये हल्का सा गीला रहेगा, अगर बहुत टाइट बनाएंगे तो देखिए रेडी है मेरे मड़वे की आटे की रोटी। तो अगर आपको मेरी ये रोटी पसंद है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए कीजिए। तो ये उत्तराखंड और बिहार का फेमस मड़वे के आटे का रोटी, तो और जितिया स्पेशल भी है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को यूं ही देखते रहिए।